शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आगामी 20 अगस्त को बीबीगंज स्थित गणिनाथ मंदिर परिसर में होने वाले गणिनाथ महोत्सव को लेकर गुरुवार को बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज जन्मोत्सव संघ के द्वारा अध्यक्ष विकास गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में होने वाले संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज जी के जन्मोत्सव को लेकर वहां के विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से मेले का समापन कैसे किया जाए इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज, जो कि मूल रूप से कानू समाज के कुलगुरु हैं, साथ ही कई जातियों के लोग भी इनको अपना कुलगुरु मानते हैं, हर साल जन्माष्टमी के बाद आने वाले शनिवार को बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही संगठन की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां पूजा अर्चना के बाद निःशुल्क रूप से लोग भंडारे का लुफ्त उठाते हैं। गंज स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने बैठक आहूत की है। भगवान विष्णु के अवतार संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चूँकि हर वर्ष जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार को मनाया जाता है, भगवान बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज ये करीबन लगभग 50 जाति के ये श्रद्धे है, आराध्य है, कुल देवता भी है, और इनका इसी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग उपस्थित रहते हैं, और मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ सभी श्रद्धालुओं से कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर और हम लोग को अनुग्रहित करें। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है इस बार? देखिए, इस बार इसमें मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ विशेष भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, और मूल रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। आज का यह बैठक हम लोगों के कुल देवता बाबा गणिनाथ, जो कि विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में जिन्होंने बाबा गणिनाथ संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ के रूप में अवतरित लिया और लेकर के हम लोग के ये कुल देवता हैं, और हम लोग के ही नहीं विभिन्न जातियों के ये कुल देवता है, लेकिन इसको हम लोग मतलब कानू जाति के लोग इसको बड़े पैमाने पर मनाते हैं, लेकिन यहाँ जो पूजा होती है उसमें विभिन्न जातियों के लोग आते हैं, उनके कुल देवता भी हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर आकर के लोग पूजा अर्चना करते हैं, और इस पूजा को जन्मोत्सव के रूप में उनको मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उनका जो जन्म है वो जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इस लेकर के यह जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष ही नहीं नेपाल में भी यह आयोजन हर साल इसी तरह से हर साल जन्माष्टमी के अगले शनिवार को भारत के साथ साथ नेपाल में भी पूरे भारतवर्ष नेपाल में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और यहाँ पर मेले का आयोजन है, उसमें भंडारे का आयोजन हम लोग की तरफ से किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और विशेष तौर पर हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था को सामान्य रूप से ढंग से सबको संभालने के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित होते हैं, और बाबा का आशीर्वाद है। हम लोग विशेष तौर पर हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छे से अच्छे पैमाने पर मनाएंगे और जन्मोत्सव उनका धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम विनोद गुप्ता हुआ, राष्ट्रीय कानून संघ प्रवक्ता। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।